सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 दिन से हम लोगों ने कंप्लेंट करके रखा है, लेकिन ओसमीरा पुलिस स्टेशन इसके ऊपर कोई कॉग्नाइजेंस नहीं ले रहा है। हम लोगों को बहुत निराशा मिली है ओसमीरा पुलिस स्टेशन के माध्यम से। दूसरा, जब हमने इन्वर्ट जो है सारे हायर अथॉरिटीज़ में किया कंप्लेंट का, उसके बाद माननीय मंत्री जी ने एक खुलासा किया है जिसमें वो हमारे क्लाइंट के ऊपर एक बदनामी वाला स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनको ब्लैकमेल कर रही है और उनकी इज्जत को उछालने के लिए केस कर रही है। तो मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी क्लाइंट आज भी पेइंग गेस्ट के रूम में रहती है जिसका 10,000, 12,000, 15,000 रुपये भाड़ा है। आज ना तो उसके पास कोई 4-व्हीलर है, ना तो कोई 2-व्हीलर है, ना तो कोई उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, ना तो खुद का घर है। अगर कोई महिला ऐसा किसी के साथ एक्सटोर्शन करेगी, जिस तरह मंत्री जी ने झूठा आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपए का हमको ब्लैकमेल किया गया है, तो महिला इस तरह नहीं रहेगी। अभी वो अंदर ACP ऑफिस में गई है, आएगी तो आप लोग देखिएगा कि अभी उसको खाने के लाले पड़े हैं। पिछले 2-3 महीने से वो अपना आर्नामेंट्स बेच करके और अपना किसी तरह गुजारा कर रही है, और उसके ऊपर झूठा एक गरीब महिला के ऊपर कि वो कमज़ोर है और सामने वाला व्यक्ति पावरफुल है, तो उसके ऊपर कोई भी आरोप लगा दे, इसके लिए उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इसलिए मेरा स्पष्टीकरण आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर दिखाया जाए कि उस महिला के ऊपर जो झूठा आरोप लगाया गया कि ब्लैकमेलिंग करती है, ब्लैकमेलिंग के लिए केस किया गया है। हमारे पास इतने एविडेंस हैं कि जब अभी मैं मीडिया में डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ चूँकि मामला इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन जिस दिन वो सारे इन्वेस्टिगेशन आएंगे, ऐसे ऐसे वीडियो क्लिप हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने के बाद लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, लेकिन वो चूंकि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, देयरफॉर आई कांट डिस्क्लोज राइट नाउ।